तो देखिए हमने ये रेडीमेड मंगवाया है, बेस और इसे अब दो भाग में कट कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सावधानी से करिए क्योंकि एकदम गलत भी कट सकता है। और ये देखिए ये बिल्कुल सावधानी से काटिए आराम से बिल्कुल। ये देखिए इसका बेस देखिए कितनी अच्छी तरह से कट किया है क्योंकि हमने इसे आराम से काटा है। ये देखिए इसे देखिए, इसे देखिए कितनी अच्छी तरह से दोनों बेस रेडी हैं। तो हम देखिए अब हम पिज्जा बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। तो ये देखिए ये मेयोनीज से हम ले लेंगे अब। ये देखिए इसे हम लगाएंगे सब। ये तो अब हम इसमें पनीर लगाते हैं। ये देखिए ऐसे सारे में बस बीच में बस इस पे थोड़ा सा मसाले छिड़क दो। काली मिर्च पाउडर हल्के हल्के हाथ से, हल्के हल्के हाथ से बेस रख दो। अब इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बस हल्के हाथ से हल्के हाथ। देखिए इसमें हमने देसी घी घेरा है और देखिए यहाँ पर हमने गैस ऑन कर दिया। जब हमने सब्जियों को मिक्स वो फ्राई किया था, हल्का हल्का भुना था, तो जब भी हमने देसी घी का यूज करा था इससे वे अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तो हमने यहाँ पर अभी फुल आंच कर रखी है और अब हम जब इसे इसमें पिज्जा रखेंगे तो बिल्कुल कम आंच कर देंगे। तो देखिए अभी हमने इसमें कमाच कर दी है, जब अब हम इसमें पिज़्ज़ा रख रहे हैं। बहुत ही सावधानी से रखिए। ये देखिए हमने अब इसमें पिज़्ज़ा रख दिया है, अब हम इसको इससे रख देंगे। देखिए ये देखिए ये हमारा पिज़्ज़ा बन करके रेडी है। और अब ये देखिए अब इसे हम कटिंग करेंगे। कितना अच्छा लग रहा है और इसका चीज़ है वो भी पिघल चुका है। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए हमारे पास इसका कटर तो नहीं था पर हमने जो पैना चक्कू होता है जो हलवाई यूज़ करते हैं वो वाला पैना चक्कू लिया है।
देखिए इसकी स्पंज, वाओ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए प्लीज, ये देखिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यम्मी यम्मी, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मेहनत सफल होगी। यस, ये देखिए इसका चीज़।